हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में, जो हम लोग डीकम्पोजिशन रिएक्शन देखे थे उसी के आगे उस डीकम्पोजिशन रिएक्शन के टाइप्स के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक ना। तो हम लोग ने डीकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में बात कर ली थी। डीकम्पोजिशन रिएक्शन आपको पता था कि यहाँ पर हम लोग किसी सब्सटेंस को दो या दो से अधिक सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक करते थे, ठीक ना। किसी सब्सटेंस को हम लोग दो या दो से अधिक सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक करते थे, ठीक ना। अब अगर हम यहाँ पर टाइप्स ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करें, इससे पहले वाली रिएक्शन में मैंने पूरा बताया हुआ था, तो आज सिर्फ हम लोग टाइप से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक ना। तो टाइप्स ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करें, टाइप्स ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करें, वियोजन अभिक्रिया के प्रकार, इसको क्या बोले, डीकम्पोजिशन रिएक्शन को क्या बोलते हैं हिंदी में, वियोजन अभिक्रिया, क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया। तो उसी के हम लोग प्रकार देखेंगे, वियोजन अभिक्रिया, ठीक ना। अब ध्यान से सुनिए, पहला होता है, फर्स्ट इज थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन की हम लोग बात करेंगे, थर्मल, ठीक ना। इसे हम लोग हिंदी में कहते हैं ऊष्मीय वियोजन। थर्मल मतलब क्या होता है, हीट। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं हिंदी में, ऊष्मीय वियोजन, ऊष्मीय वियोजन, ठीक। अब ध्यान से देखिए, थर्मल हमारे पास क्या हो सकता है, तो द रिएक्शन इन विच We use the energy in the form of heat. The reaction, मैं लिखता हूं, the reaction in which we use the energy in the form of heat to decompose or break. टू डीकम्पोज, टू डीकम्पोज और ब्रेक द रिएक्टेंट्स, यानी कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके अंतर्गत हम ऊष्मीय ऊर्जा का उपयोग करके किसी पदार्थ को या किसी सब्सटेंस को या अभिकारक को दो या दो से अधिक सरल अब उत्पादों में तोड़ने का कार्य करते हैं, टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस, ठीक ना, में ब्रेक डाउन करते हैं। तो डीकम्पोज और ब्रेक द रिएक्टेंट्स किसका इस्तेमाल करके, हीट एनर्जी का इस्तेमाल करके। अब ध्यान से देखें यहाँ पर बच्चों, हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट है हमारे पास, क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। अगर इसको हम हीट करते हैं, हीट का साइन मैंने बताया था एरो के ऊपर, या तो आप ट्रायंगल बना लीजिए या तो हीट लिख लीजिए, ठीक ना, हीट यहाँ लिख लीजिए इस तरीके से, या तो आप हीट को इस तरीके से लिख सकते हैं प्लस लगा करके, ठीक ना, दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक। तो यहाँ पर हमें क्या देखते हुए मिलेगा, कैल्शियम ऑक्साइड बनेगी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से इवॉल्व हो जाएगी, निकल जाएगी। तो यहां पर हमने हीट का इस्तेमाल करके कैल्शियम कार्बोनेट को क्या किया, ब्रेक किया, तोड़ा किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक ना। एक एग्जांपल हम लोग और लेते हैं, उसको भी देखते हैं, ठीक। तो दूसरा एग्जांपल है, सेकंड एग्जांपल हमारे पास है फेरस सल्फेट का, ठीक ना। फेरस सल्फेट को जब हम हीट करते हैं तो ये फेरिक ऑक्साइड में टूट जाता है, साथ में यहां से SO2 और SO3 यानी सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड नाम की गैसेस निकलती हैं। ये फेरस सल्फेट है, ये फेरस ऑक्साइड, ये फेरिक ऑक्साइड है, ये क्या है, ये फेरिक ऑक्साइड है, क्यों फेरिक ऑक्साइड है, और ये क्या है, ये फेरस सल्फेट है। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, कैसे इंपॉर्टेंट अभी बताऊंगा। अभी फेरिक में आप जानते हो कि फेरिक मतलब Fe के ऊपर जब 3 पॉजिटिव आयंस हो, तो इसीलिए Fe2O3, यानी इसके ऊपर 2 रहा होगा और इसके ऊपर 3,
इसका थ्री इधर आ गया, इसका टू इधर आ गया, फॉर्मूला आप बनाना जानते हो, ठीक ना? नहीं जानते होगे तो मैं बताऊंगा भी अभी आगे, ठीक ना? एफ ई प्लस टू और माइनस टू, ठीक ना? ये इस तरीके से फार्मूला बना होगा। अब देखिए यहाँ पर फेरस सल्फेट और फेरिक ऑक्साइड हो गया, और साथ में कौन सी गैस मिल गई? सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राईऑक्साइड। कभी कभी क्या होता है, वन मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछ लेता है, ब्लैंक कर देता है, यहाँ पे फ्लिंग द ब्लैंक्स कर देगा, कहेगा बताइए यहाँ पे कौन सी गैसेस का कॉम्बिनेशन है, ए बी सी करके दिया रहेगा, आपको एक आंसर चुनना रहेगा। तो ये रिएक्शन अपने आप में क्या हो जाती है, इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ध्यान से देख लीजिए, हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन का यूज़ कर लिए, जहाँ पर हीट का इस्तेमाल करके हम रिएक्टेंट्स को ब्रेक करते हैं प्रोडक्ट में। फटाफट देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसे हम इलेक्ट्रोलिसिस भी कहते हैं, और हिंदी में उसको वैद्युत अपघटन या विद्युत वियोजन कुछ भी कह सकते हैं। चलिए, दूसरी रिएक्शन हमारे पास क्या है, इसको लिखे रहने देते हैं, हमारा टाइम ही बचेगा। चलिए, ये हो गई हमारी इलेक्ट्रिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसे हम शॉर्ट में इलेक्ट्रोलिसिस भी कहते हैं, और हिंदी में इसको बोलते हैं विद्युत वियोजन या विद्युत अपघटन, दोनों नाम इसके होते हैं, वियोजन भी बोल सकते हो और अपघटन भी बोल सकते हो। तो हम लोग इसका डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, डेफिनेशन लिख सकते हैं क्या, द रिएक्शन इन विच वी यूज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर द डीकम्पोजिशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, यूज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू डीकम्पोज और ब्रेक द रिएक्टेंट्स, ठीक ना, या फॉर द डीकम्पोजिशन और ब्रेक द रिएक्टेंट्स। चलिए, जब हम इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करें तो वो विद्युत वियोजन हो जाती है, यानी कहने का मतलब क्या है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हम विद्युत ऊर्जा का इस्तेमाल अभिकारकों को तोड़ने में या अभिकारकों को वियोजित करने में करते हैं, वैसी रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाती है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया हमारी इलेक्ट्रोलिसिस या विद्युत वियोजन कहलाती है। अब चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं इलेक्ट्रोलिसिस में। चलिए, तो यहाँ पर सबसे बहुत फेमस एग्जाम्पल है, अगर हम वाटर H2O, इसमें इलेक्ट्रिसिटी दें तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाता है। अब इसका मैकेनिज्म कुछ अलग तरीके का होता है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर कुछ थे जो कि कोरोना टाइम में उसमें इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा था, जो लोकल लेवल पर बन रहे थे, उसमें जानते हो बच्चों आप वाटर डाल रहे थे एक तरफ से, तो वहाँ पर ऑक्सीजन वो सप्लाई कर रहा था। असल में इसमें दो प्लेट्स लगी होती हैं, ठीक ना इलेक्ट्रोड, दो इलेक्ट्रोड की प्लेट्स लगी होती है, कैथोड होती है और एक एनोड होती है, यहाँ पर वाटर भरा होता है, ठीक ना? तो आप जनरली समझिए, तो यहाँ पर वाटर भरा है एच प्लस और OH माइनस में, ये वाटर टूट जाता है, OH माइनस से हमें क्या मिल जाती है, ऑक्सीजन। तो उसको अलग तरीके से चैनल से ले जा करके और वो कंसंट्रेटर में इस्तेमाल कर रहे थे लोग, पानी डाल रहे थे और एक तरफ से, और कंसंट्रेटर से ऑक्सीजन जनरेट हो रही थी, और वो लोग जिनको ऑक्सीजन की कमी थे वो इसका यूज़ कर रहे थे, और ये बिल्कुल देसी लेवल पर बना था, यानी इंडियन था ये पूरा ये टेक्नोलॉजी, ठीक। चलिए, यहाँ पर हम लोग ने देखा ये। चलिए, इसके बाद तीसरा जो होता है, थर्ड वन इज फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटोलिटिक बोल लो या इसको इलेक्ट्रोलिटिक भी बोल सकते थे, फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन, या इसी को हम लोग बोलते हैं फोटोलिसिस कहते हैं, और अगर हिंदी में बात करें तो इसको बोलते हैं प्रकाशीय वियोजन या प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया, ठीक ना, प्रकाशीय, ठीक ना, यह भी लगेगा। तो यहाँ पर क्या होता है, सिंपल क्या कि जब हम किस एनर्जी का इस्तेमाल करें, सनलाइट का इस्तेमाल करें, तो हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं, द रिएक्शन इन विच वी यूज द एनर्जी
एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट टू ब्रेक डाउन और डीकंपोज द रिएक्टेंट्स। ठीक, तो ऐसी रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाशीय वियोजन या फोटोलिसिस। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जिसमें हम लोग प्रकाशीय ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमें सूर्य की रोशनी से मिलती है, उसका इस्तेमाल करके, उसका प्रयोग करके हम रिएक्टेंट को दो या दो से अधिक सरल उत्पादों में तोड़ते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया क्या होती है, हमारी प्रकाशीय वियोजन कहलाती है। अगर इसका एग्जाम्पल लिखना चाहें बच्चों तो ध्यान से देखिए, लिख सकते हैं AgCl हमारे पास है, AgCl को हम लोग सिल्वर और क्लोराइड में तोड़ सकते हैं। बैलेंस करने के लिए आप चाहे यहाँ दो लगा सकते हो, बैलेंस हो जाएगी रिएक्शन। ठीक ना, यहाँ पर हम लोग सनलाइट का इस्तेमाल करते हैं इनको दौड़ने के लिए। इसी तरीके से सेम AgBr भी है, तो Ag+Br2 ये अलग हो जाएगा, सनलाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर भी। ठीक ना, सनलाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं, और दोनों क्या, सिल्वर ब्रोमाइड है और सिल्वर क्लोराइड है, ब्रोमीन और यहाँ पर सिल्वर और ब्रोमीन, सॉरी क्लोरीन और ब्रोमाइड टूट रहा है। ये जो हो रहा है AgAg, यानी जो यहाँ से जो सिल्वर अलग हो रही है, इसका इस्तेमाल बच्चों पूछा जाता है किस में किया जाता है, इस रिएक्शन नहीं, ये AgCl या AgBr को जब हम तोड़ रहे हैं तो इसका इस्तेमाल या इसका उपयोग किस में किया जाता है, तो इसका उपयोग हम लोग याद रखिएगा बच्चों, फैक्ट है, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में करते हैं, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में इसका यूज़ होता है। ठीक ना, अब तो फिलहाल ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी नहीं होती है, तो इसमें आपने देखा होगा टीवी वगैरह में कभी कि एक बहुत बड़ा सा कैमरा होता है, उसको ढके रहता है एक व्यक्ति, ढक करके देखता है सब सही है कि नहीं, तो उसमें क्या होता है, रिफ्लेक्शन बेसिकली यहाँ पर होता है, वो जो लाइट्स होती हैं वो पड़ती हैं। ठीक ना, और वहीं पर एक तरीके से आप कह सकते हो वहाँ पर इसका यूज़ होता है, बट बहुत डिटेल में इसको आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। 11th में जब हम लोग एटॉमिक मॉडल पढ़ते हैं तो वहाँ पर ये थोड़े बहुत आती है, ये वाली चीज़ें आती हैं, तो वहाँ पर डिस्कस करेंगे 11th में। फिलहाल आप लोग बस इतना यूज़ जानिए कि इसका यूज़ किस में है, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में है, और ये फैक्ट के जैसे आपके एग्ज़ाम में पूछ सकता है, तो फैक्ट के जैसे याद कर लीजिए। ठीक, इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं इसी से रिलेटेड, तो हम लोग उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ी सी जगह बनाता हूँ, इंपॉर्टेंट रिएक्शन में क्या लिखते हैं, जैसे देखिए, जैसे आप कोई भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस लोगे, जैसे CH4 लिया, इसको आप जब बर्न करोगे यानी जलाओगे, ठीक ना, तो यहाँ पर आपको ये आपने लिया इसको, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसको आप जलाओगे यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आप इसको बर्न करोगे, तो आपको सेम कंपाउंड मिलेगा, क्या मिलेगा, CO2। ठीक ना, यहाँ से CO2 जनरेट होगी, ठीक ना, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकलेगी, ठीक ना, साथ में वाटर मॉलिक्यूल बनता है और हीट इवोल्व होती है यहाँ से। कोई भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस आप लेंगे तो ये दो प्रोडक्ट कॉमन होंगे उसमें, क्लियर है बात, ये बात हमेशा ध्यान रखे रहिएगा मेरी, ठीक ना, ये बात ध्यान रखे रहिएगा, इसको मेरे मैंने बता दिया आप लोगों को, फटाफट लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट, इसी के साथ हमारी डीकम्पोजिशन रिएक्शन की जो टाइप्स थे वो ख़त्म होते हैं। ठीक ना, हम लोग आगे बढ़ते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन से। नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग देखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तीसरी टाइप की रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगली रिएक्शन क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसे हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, या इसको प्रतिस्थापन भी आप बोल सकते हो, डिस्प्लेसमेंट बोलो विस्थापन बोलो सारी बातें एक ही हैं। ठीक ना, चलिए बच्चों, अगली रिएक्शन कौन सी थी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी विस्थापन अभिक्रिया।
तो विस्थापन अभिक्रिया में जैसा कि नाम से भी आपको समझ में आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। तो यहाँ पर बच्चों क्या होने वाला है, आप बहुत ध्यान से ध्यान दीजिएगा कि एक कोई रिएक्टिव एलिमेंट होगा। जैसे मैं यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ, ठीक है, जनरल वे में। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास एक ए बी नाम का एक कोई कंपाउंड है, ठीक ना, और यहाँ पर एक सी नाम का कंपाउंड है, ठीक। तो यहाँ पर अगर ए जो कंपाउंड है वो लेस रिएक्टिव है, क्या है, लेस रिएक्टिव कंपाउंड है, और जो सी है वो मोर रिएक्टिव कंपाउंड है। ए क्या है, लेस रिएक्टिव है, और सी क्या है, मोर रिएक्टिव है। यानी लेस और मोर कैसे पता चलेगा, रिएक्टिविटी सीरीज से पता चलेगा, मैं अभी लिखवा भी दूंगा आपको, ठीक ना। लेस रिएक्टिव और मोर रिएक्टिव, अधिक सक्रिय अभिक्रियाशील और कम अभिक्रियाशील। तो ये ऐसे सॉल्यूशन क्या करते हैं कि ये इसको डिस्प्लेस कर देते हैं, उसके खुद के कंपाउंड से डिस्प्लेस करके उसे भगा देंगे, यानी बाहर आ जाएगा और उसकी जगह ये खुद चला जाएगा। यानी जो ताकतवर व्यक्ति होता है वो कमज़ोर को उसी के घर से निकाल के बाहर फेंक देगा, अपनी ताकत दिखाएगा और बेचारा कमज़ोर बाहर चला जाएगा। तो यही चीज़, ऐसे ही कुछ कॉन्सेप्ट आप समझ सकते हैं कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा उसी के कंपाउंड से और उसकी जगह खुद जगह ले लेगा, ठीक ना। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, चलिए लिखते हैं कि दोज रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट displaces less reactive element from its own compound, अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को उसी के कंपाउंड से हटा देगा, ठीक ना। रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स ओन कंपाउंड, ठीक ना, हटा करके खुद उसकी जगह ले लेगा। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम लोग लिखना चाहें, यहीं पर लिखते हैं, तो अगर मान लीजिए हमारे पास Fe है और प्लस CuSO4 है, यानी आयरन है और हमारे पास कॉपर सल्फेट है। जनरली ये कॉपर सल्फेट जो होता है वो ब्लू कलर का होता है, ठीक ना। अब Fe आया, ठीक ना, Fe ने क्या किया, ये एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक ना, एक्वस सॉल्यूशन, ये AQ यानी एक्वस सॉल्यूशन होगा। अब Fe ने इसको क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया कॉपर को और इसकी जगह खुद आ गया फेरस सल्फेट, और ये जो कॉपर था वो बाहर चला गया, और यहाँ पर सॉल्यूशन का कलर भी क्या हो गया, ग्रीन हो गया। तो मैंने बताया था चेंज इन कलर अगर हो तो केमिकल रिएक्शन होती है, स्टार्टिंग में जब हम लोग पढ़ रहे थे इंट्रोडक्शन पार्ट में, तो वहाँ पर देखिए यहाँ चेंज इन कलर हुआ तो केमिकल रिएक्शन हुई, ठीक। अब देखो यहाँ पर कैसे पता चलेगा कि मोर रिएक्टिव कौन है और लेस रिएक्टिव कौन है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। ये मैंने आपके सामने लिख दिए हैं, ठीक ना, यहाँ पर कुछ सिल्वर तक, शायद सिल्वर के बाद है AU यानी गोल्ड, और गोल्ड के बाद नहीं दिख रहा होगा तो प्लैटिनम, तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये। तो ये क्या है कि अगर जो सबसे टॉप मोस्ट एलिमेंट होगा वो मोर रिएक्टिव होगा जो टॉप मोस्ट होगा, और जो सबसे नीचे यानी प्लैटिनम सबसे नीचे है, तो ये एकदम यहाँ से लिख सकते हो मोस्ट रिएक्टिव ये है, और ये लीस्ट रिएक्टिव होगा सबसे कम। तो जैसे जैसे हम नीचे आएंगे तो ये क्या होगा, रिएक्टिविटी डिक्रीज होगी, ठीक ना। तो अब इस केस में देखिए कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है यानी कॉपर है, तो कॉपर यहाँ पर उसकी पोजीशन है। आयरन देखिए Fe उसके ऊपर है,
तो आयरन हो गया मोर रिएक्टिव और कॉपर हो गया लेस रिएक्टिव। जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो ऊपर रहेगा और लेस रिएक्टिव एलिमेंट क्या होगा, नीचे रहेगा रिएक्टिविटी सीरीज में। तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसी के कंपाउंड से हटा करके उसकी जगह खुद हो जाएगा, इसी को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया। क्लियर है बात? जैसे इसको याद रखना चाहते हो तो एक बता देता हूँ, फिलहाल ये मेटल्स और नॉन मेटल्स में भी आता है रिएक्टिविटी सीरीज, तो वहाँ पर भी मैं बताऊँगा। काशीनाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ, और फिर आखिरी में प्लैटिनम आप याद रखेंगा, ठीक ना। काशीनाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ, और आखिरी में प्लैटिनम। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। तो एक दो एग्जांपल हम लोग और देख लेते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास लिखा है ZnSO4 है, मान लो ठीक ना, क्या है ZnSO4 है और यहाँ पर एल्यूमिनियम दे रखी है, तो ये एक दूसरे को डिस्प्लेस करेंगे, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम का सल्फेट हो जाएगा, Al2SO4 का थ्राइस, और जिंक क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अगर मानिए, चलिए आप ही लोग बताइएगा, अगर ये लिखा हुआ है ZnSO4 प्लस Fe, तो यहाँ पर क्या FeSO4 और क्या Zn, यानी ये रिएक्शन आपकी प्रोसीड होगी, क्या ये रिएक्शन मैंने करेक्ट लिखी है बताइए? नहीं, ये रिएक्शन करेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है? दिखने में तो भैया कुछ इसमें गड़बड़ी नहीं है, लेकिन मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म के तहत जाओगे तो हमें पता है कि जिंक जो है वो मोर रिएक्टिव है। जिंक क्या है? मोर रिएक्टिव, और आयरन क्या है? लेस रिएक्टिव। कैसे पता चला? सीरीज देखो, जिंक कहाँ आ रहा है? जिंक आयरन के पहले आ रहा है, तो जिंक क्या हुआ? मोर रिएक्टिव, और आयरन क्या हुआ? लेस रिएक्टिव। इस वजह से ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। इस तरीके से आपसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए ये रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं। तो अगर आप झटके में कह दी हाँ सही है, तो फिर बताओ आपका गलत हो जाएगा। अगर लेकिन आप बहुत ध्यान से देखोगे, रिएक्टिविटी सीरीज को देख करके करोगे, तो आपका आंसर सही रहने वाला है। ध्यान से देख लीजिए, इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बाद। ठीक, डिक्रीजिंग ऑर्डर है बच्चों, ये याद रखिएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर यानी घटता हुआ क्रम है रिएक्टिविटी का। ठीक, जो सबसे टॉप मोस्ट है वो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है। ठीक, ध्यान से देखिए बच्चों, चलिए अगली रिएक्शन पे आते हैं। अगली रिएक्शन क्या कहती है? अगली रिएक्शन है, यहां पर हम लोग फोर्थ रिएक्शन है जिसको हम लोग बोलते हैं फोर्थ रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। फोर्थ रिएक्शन कौन सी है? डबल डिस्प्लेसमेंट, या हम जिसे कहते हैं द्वीय विस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? द्वीय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट कहें चाहे हम द्वि विस्थापन अभिक्रिया कहें। अब डबल डिस्प्लेसमेंट का क्या केस है समझिए बच्चों, आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए हमारे पास दो कंपाउंड है, ए बी प्लस सी डी, तो आपको पता होता है कोई भी कंपाउंड होता है उसमें एक पॉजिटिव आयन होता है और निगेटिव आयन होता है। तो ये मानो पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो यहाँ पर क्या हो जाए? एक्सचेंज ऑफ आयन्स हो जाए, यानी इसके आयन उसके साथ चले जाएँ और उसके आयन इसके साथ चले जाएँ। जैसे समझिएगा, जैसे सी ए की जगह आ जाए और ए सी की जगह आ जाए, तो एक्सचेंज ऑफ आयन्स हो गया, तो क्या बना? सी बी प्लस ए डी। तो जहाँ पर एक्सचेंज ऑफ आयन्स हो, ठीक ना, और उससे नए कंपाउंड बन जाए, तो वहाँ पर क्या होता है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। तो एक्सचेंज ऑफ आयन्स हो गए, इसीलिए दो आयन हुए, एक इधर पॉजिटिव आयन, ये इधर, इसी वजह से इसको द्विविस्थापन अभिक्रिया या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं हम लोग, ठीक ना। चलिए डेफिनेशन लिख लेते हैं। द रिएक्शन इन विच टू डिफरेंट आयन्स, द रिएक्शन इन विच टू डिफरेंट आयन्स
एक्सचेंज, या इसको हम लोग एटम्स भी कह सकते हैं, क्योंकि ये पर्टिकुलर एक एटम है, वो उधर एक पर्टिकुलर एटम है. द रिएक्शन इन विच टू डिफरेंट आयंस आर एक्सचेंज दियर पोजिशंस इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. तो यहाँ पर क्या हुआ, अपनी पोजिशंस को ठीक ना वो क्या कर लें, चेंज कर लें ठीक ना, तो हम उसको क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं. एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों, जैसे एग्जाम्पल है हमारे पास NaOH है प्लस CuSO4 है. जैसे ध्यान से देखिए, यहाँ पर NaOH यानी Na और Cu अपनी पोजिशंस को चेंज करेंगे. तो Na जब चेंज होगा तो ये बन गया मान लो Na2SO4, और Cu और OH हुआ तो ये बना CuOH का ट्वाइस. ठीक ना, इस तरीके से. इस तरीके से एक और होता है BaCl2 प्लस Na2SO4. तो यहाँ पर Na और Ba यानी बेरियम और सोडियम एक दूसरे को एक्सचेंज करेंगे पोजीशंस को, NaCl प्लस बेरियम सल्फेट. ठीक ना, और ये रिएक्शन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट होती है. यहाँ पर ये जो BaSO4 है या CuOH का ट्वाइस है, ये प्रेसिपिटेट के फॉर्म में होता है. प्रेसिपिटेट यानी कि नीचे एक इनसॉल्यूबल सॉल्ट के फॉर्म में वो जम जाते हैं. असल में यहाँ पर क्या है, ये दोनों सॉल्यूबल सॉल्ट हैं यानी पानी में घुलने वाले सॉल्ट है, सॉल्यूबल सॉल्ट है. तो ये सॉल्यूबल सॉल्ट आपस में अपने आयंस को क्या कर लेते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं. अपनी पोजीशंस आयंस की क्या कर लेते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं. तो एक्सचेंज करके जो कंपाउंड बनता है, उनमें से एक कंपाउंड क्या होता है, इनसॉल्यूबल टाइप का होता है. तो इनसॉल्यूबल सॉल्ट बनता है. ये तो सॉल्यूबल सॉल्ट हुआ, ये दोनों ये इनसॉल्यूबल हुए, तो ये प्रेसिपिटेट के फॉर्म में नीचे क्या हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, जम जाते हैं. ठीक ना, इस वजह से हम लोग इसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का टाइप भी बोल सकते हैं. अभी हम लोग आगे फिलहाल देखेंगे. तो ये होती है बच्चों डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. क्लियर है, ध्यान से देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए बच्चों डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया. क्लियर है बच्चों, ध्यान से देख लिया आप लोगों ने. तो इस तरीके से जो हमारे मेन 4 टाइप होते हैं केमिकल रिएक्शंस के, वो हम लोग ने आज इस वीडियो में देख लिया. ठीक ना, तो आने वाले वीडियो में यानी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक की बात कर लेंगे. ठीक ना, साथ में हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन की भी बात करेंगे और ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा. लेकिन इस चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो है केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना. तो केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस ज़रूर करेंगे, लेकिन हम लोग सेपरेटली उसकी वीडियो बनाएंगे. यानी पहले पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम लोग देखेंगे कि कैसे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे. तो आज के लिए बच्चों हम लोग इतना ही करते हैं, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम उसके आगे की बात करेंगे. थैंक यू बच्चों, बाय.